चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव पाकिस्तान पहुंच गए। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव को तोपों की सलामी दी गई। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दौरे के दौरान कई मुआहदों पर दस्तखत होंगे। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की मुल्की हदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। हालिया 5 वर्ष में भारत की चौथी आबदोज के दाखिले की कोशिश नाकाम। DGISPR के मुताबिक हिंदुस्तानी आबदोज जासूसी और मश्क से मुतालिक मालूमात जमा करने के लिए आई थी। तहरीक इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं, PTI में सिर्फ इमरान खान का ही ग्रुप है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है। सिंध में कंडियारी के मुकाम पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च का रास्ता रोक लिया। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च को अपना मार्च करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा काफ लीग मुफ्त में वोट नहीं देगी, उन्हें बेहतर पेशकश देनी चाहिए। पाकिस्तानी सफारतखाने की भारतीय तालिब इल्मों की मदद, जिसे आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। भारतीय तलबा का पाकिस्तानी सफीर नवील खोकर को खराज तहसीन पेश। Laundry is no longer a hassle. Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव पाकिस्तान के दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर का इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव पाकिस्तान के दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद पहुंचने पर उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव को 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दौरे के दौरान कई मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मुज़ाकरात में तिजारत, राहदारी और उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर गुफ्तगू होगी। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। उज़्बेक सदर पाकिस्तानी हम मनसब और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। तफसीलात के मुताबिक उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव पाकिस्तान के दो रोज़ा सरकारी दौरे पर चकलाला एयरबेस पहुँचे। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा, काबीना के अरकान, आला हुकूमती हुकाम, ताजरों और सहाफ़ियों पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द उनके हमराह है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह बीजिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात की थी। मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। दोनों आलमी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया था। पाक बहरिया ने जासूसी के लिए आने वाली भारतीय जदीद तरीन आबदोज की पाकिस्तानी समंदरी हदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक पाक बहरिया ने 1 मार्च को जासूसी के लिए आने वाली भारतीय जदीद तरीन आबदोज की पाकिस्तानी समंदरी हदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। पाकिस्तान नेवी ने भारतीय आबदोज का रास्ता रोक कर
उसे भागने पर मजबूर कर दिया। भारतीय बहरिया ने अपनी आबदोज को मजमू मकासद के साथ पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया, ताहम पाक बहरिया ने एक बार फिर मुसलसल चौकस रहकर पेशावराना महारत के साथ भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी समंदरी हदूद में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। डी जी ISPR के मुताबिक मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और पाक बहरिया की जारी मशक सीज पार्क 2022 के दौरान यह अहम वाकया है। पाक बहरिया ने मशकों के दौरान सख्त निगरानी और चौकन्ना रहने के तरीके कार का इत्तला किया था। पाकिस्तान नेवी के एंटी सबमरीन फॉरवेयर यूनिट ने 1 मार्च को जदीद तरीन हिंदुस्तानी क्लोरी क्लास आबदोज को कबल अस वक्त रोका और ट्रैक किया। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल में ये चौथी भारतीय आबदोज पकड़ी गई है। ये पाक बहरिया की सलाहियत और पाकिस्तान की समंदरी सरहदों के दिफा के अजम का अक्कास है। किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, जर और जरदारी की ताकत किसी को नहीं खरीद सकेगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ये शहीद बीबी की पार्टी का शेवा नहीं, ये नई पीपल्स पार्टी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं, PTI में सिर्फ इमरान खान का ही ग्रुप है। हमारे अरकान असेंबली अपने मौकफ पर डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि मटियारी में PP के कारकुनों ने मेरे काफिले को रोकने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी कारकुनों ने तस्दुम की फिजा पैदा करने की कोशिश की। सिंध हुकूक मार्च के काफिले को 25 मिनट रुकना पड़ा। काफिले में शामिल PTI कारकुनान ने शदीद नारेबाजी की, पुलिस ने रास्ता क्लियर कराया, सिंध हुकूक मार्च को निकाल दिया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वजीर आजम ने मुश्किल हालात में पेट्रोल और बिजली पर रिलीफ दिया। यकीन है हमारे अरकान असेंबली अपने मौकफ पर डटे रहेंगे। डायलॉग और डिप्लोमेसी के कल भी पाबंद थे, आज भी उसके कायल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा, इमरान खान के बाद महदूद मुद्दत का सेटअप आएगा। वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ को वोट देना पीपल्स पार्टी के लिए कड़ा टास्क है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि काफ लीग मुफ्त में वोट नहीं देगी, उन्हें बेहतर पेशकश देनी चाहिए। कौन कौन रबते में है, मुनासिब वक्त पर नाम सामने लाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत को हटाने के लिए अदम एतमाद ही जमहूरी तरीका है। इमरान खान के बाद महदूद मुद्दत का सेटअप आएगा। वजीर आजम मुल्की मफाद में शॉर्ट टर्म के लिए यह कुर्बानी देने को तैयार है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी गरीब आवाम के हकूक के लिए बनाई गई है, ये मेहनत का नतीजा था। आज पाकिस्तान में जमहूरियत है, हुकूक मेहनत और कुर्बानियां मांगते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से फिर मार्च की तारीख आगे बढ़ाने पर जोर भी दिया। उन्होंने मजीद कहा कि अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद नहीं है। अदम एतमाद के फैसले में बड़ा फासला पड़ा हुआ है। मैं तो 1-1.5 महीने से रो रहा हूँ ये बात कि ये आसान काम नहीं है। रूस के यूक्रेन पर मुसलसल हमलों के नतीजे में भारतीय तालिबे इल्मों को यूक्रेन से बहिफाजत निकालने में परेशानी का सामना है, जिसे देखते हुए पाकिस्तानी सिफारतखाने ने अपनी खिदमात पेश कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन में जारी जंग और पूरे मशरकी यूरोपीय ममालिक में अफरा तफरी के दौरान एक भारतीय तालिबे इल्म ने दिल मोह लेने वाली वीडियो शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने के अंदर भारतीय तलबा का एक ग्रुप मौजूद है। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से उन तालिबे इल्मों को पनाह देने के अलावा खाना भी फराहम किया गया। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने उन भारतीय तलबा को एक ऐसे वक्त में पनाह दी जब उन्हें खारकीव से लीविव जाने के लिए भारतीय सिफारत खाने ने मदद करने से इनकार कर दिया था। भारत के मारूफ सहाफी और प्रोफेसर अशोक स्वेन ने भी वीडियो ट्विटर पर शेयर की, जिसमें बताया गया कि रोमानिया की सरहद पर भारतीय सिफारत खाने का अमला नहीं था, लिहाजा ऐसे में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने भारतीयों की मदद की। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ट्विटर अकाउंट से जारी तफसील के मुताबिक यूक्रेन से 1,250 पाकिस्तानी शहरियों का इनखला मुकम्मल हो गया है। उनमें तुलबा, पाकिस्तानी शहरी और सिफारती अमले के खानदान शामिल हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। शाहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में मैं आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राना टेक टीवी पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया, लेके आएंगे तरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं।
बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी पाकिस्तान।